तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि 15,000 में ना ही उतना अच्छा आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलता है, ना ही उतनी अच्छी आप लोग उसमें गेमिंग कर सकते हैं, ना ही डिस्प्ले, ना ही बैटरी लाइफ और डिज़ाइन, तो आप लोग 15,000 में सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 में लाया हूं ना, जिसमें दोस्तों आप लोगों को सभी कुछ बेस्ट मिलने वाला है, प्रोसेसर से लेके कैमरा तक, डिज़ाइन से लेके परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले के मामले में। तो दोस्तों मैं क्या ही बोलूं। एंड दोस्तों अंडर 15,000 में आप लोगों को सारे ही वेरिएंट स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 4x128 अगर आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों अंडर 15,000 में आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को 8x256 चाहिए तो भी दोस्तों आप लोगों को ये अंडर 15,000 में ही देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, थोड़ी देर आप लोग रुकिए, आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। एंड दोस्तों जौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि लिस्ट में नंबर 5th स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है लावा स्ट्रॉम 5G। लावा की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर के साथ। आप लोगों को यहाँ पर 8x128 GB का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 50+8 MP का बैक कैमरा है, 16 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, 33W आप लोगों को यहाँ पर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, 6.78 inches का IPS LCD डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को ये 15,000 से सिर्फ 1 रुपये कम 14999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर लिस्ट में नंबर 4th स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर रियलमी का ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ रियलमी C67 5G आ जाता है, जिसमें दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर लगा है। 4x128 GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 50+2 MP का बैक कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 33W फास्ट चार्जिंग, 6.72 inches का IPS LCD डिस्प्ले है। एंड दोस्तों 4x128 GB वाले वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर 12999 में देखने को मिल जाएगा। एंड 6x128 GB वाला वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर 14499 में देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिस्ट में अगर नंबर 3rd स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों Xiaomi Redmi 13C 5G दोस्तों लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्रोसेसर के साथ में आने वाला। 6x128 GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 50+0.08 MP का बैक कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 10W चार्जिंग के साथ, 6.74 inches का IPS LCD डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर 6x128 GB वेरिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 13599 में देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों 8x256 GB वाले वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 15295 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिस्ट में नंबर अगर 2nd स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों अंडर 10,000 में अगर आप लोग एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, हाँ दोस्तों 15,000 की लिस्ट में अंडर 10,000 का स्मार्टफोन कहाँ से आ गया, मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मोटो G34 5G कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर वाला। हाँ दोस्तों मैंने इसकी भी वीडियो बना के रखी है, दोस्तों आई बटन पर जाकर आप लोग ये वाली भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जो प्रोसेसर अंडर 30,000 के स्मार्टफोन में लग के आ जाता है, वही दोस्तों आप लोगों को 10 से 15,000 वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों यकीन मानिए वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए स्मार्टफोन बन सकता है। 4x128 GB का वेरिएंट है, 50+2 MP का बैक कैमरा है, 16 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, 20W फास्ट चार्जिंग, 6.5 inches का IPS LCD डिस्प्ले। एंड दोस्तों 4x128 GB वाली वेरिएंट की अगर बात करें तो 10999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों 8x128 GB वाली वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 11999 में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बन सकता है। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग एक गेमर हैं एंड अंडर 15,000 एक बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों पोको M6 Pro 5G से आप लोगों के लिए कोई भी स्मार्टफोन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 4x128 GB का आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 50+2 MP का बैक कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, 18W चार्जिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर 6.79 inches का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों
अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो 4x128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर 11999 में देखने को मिल जाता है, 6x128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर 12499 में देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आप लोग 8x256 वाला वेरिएंट ढूंढ रहे हैं तो 13999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 में आने वाले। एंड दोस्तों आप लोग इन तीन स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग सैमसंग गैलेक्सी A14 5G की तरफ जा सकते हैं, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट आप लोगों के लिए सैमसंग की तरफ से बन जाता है। दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को सेकेंडली रेकमेंड करना चाहता हूं ओप्पो A59 5G, लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है पर दोस्तों इस लिस्ट में नहीं आ पाया कुछ कमियों की वजह से। एंड दोस्तों अगर लिस्ट में नंबर थर्ड स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो वीवो Y28 5G, दोस्तों आप लोग इन तीन स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड दोस्तों जितने भी मैंने स्मार्टफोन बताए हैं आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि हाँ दोस्तों इसमें प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, डिज़ाइन, डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ भी इसमें काफ़ी अच्छी बता दी गई है। सो दोस्तों अब आप लोगों की बारी है इस वीडियो को लाइक करने की। एंड दोस्तों आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी मोटो G34 5G की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप लोग यहां पर जाकर वो वाली भी वीडियो देख सकते हैं, दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब।